हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। प्रभाष भाई आ गए आप। केतकी, मधेकर, तो बेटा सुबह के तीन लेक्चर समझ में आए थे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन मशीन टूल पार्ट फोर। जो बच्चे अभी तक तीन पार्ट नहीं देखे हैं बेटा, तो उनको देख लीजिए पहले। यस, तो ये पार्ट फोर है। इससे पहले मैं तीन पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। वो बच्चे जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, जान रहे हैं, या इस वीडियो को रिकॉर्ड होने के बाद देखेंगे, तो दोस्तों मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम गौरव बाबू है और ये मेरे बारे में थोड़ा बहुत यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ समझ में आता है, आपको मोटिवेशन फील होता है, तो आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी का लिंक है, दैट इज anacademy.com/@gaurav2000-5/577। इस पर जाके दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल मेल आईडी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो यू पीपल कैन टेक माई नंबर, दैट इज 9897104566। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। बेटा मेरे लेक्चर करते रहो, इतने प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि दम निकल जाएगी कर करके। आपको किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? बहुत न्यूमेरिकल कराता हूँ बेटा मैं। चलो बाकी फोन पे पूछ लेना बेटा, समझा दूंगा सारा, ठीक है, कॉल कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में हमने टूल सेटिंग एरर के बारे में पढ़ा था दोस्तों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं। तो इससे पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने टूल सेटिंग कब पढ़ी, कैसे पढ़ी थी, जब टूल सेंटर लाइन के ऊपर चला गया था। अब हम पढ़ेंगे कि व्हेन द टूल इज सेट बिलो द सेंटर लाइन। तो द केस टू व्हेन टूल is below the center line, जब tool center line के नीचे आ जाए, उस केस में क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा लाइक दिस। This is the center line. यहां पे आपका सेंटर हो जाएगा। अब इस बार दोस्तों टूल कहां पे है, टूल सेंटर लाइन के नीचे आएगा, समवेयर हियर। मान लो ये हमारा टूल है, तो अब देखते हैं अब क्या असर पड़ने वाला है। तो पिछले केस में हमने देखा था इफेक्टिव रेक एंगल बढ़ गया था, क्लियरेंस एंगल घट गया था। इस बार उल्टा होगा दोस्तों। देखो यहां से मैं सेंटर से टच कराती हुई एक लाइन ले जा रहा हूं लाइक दिस मच, और इसके ठीक परपेंडिकुलर में टेंजेंट बनाती हुई लाइन एक ये हो जाएगी लाइक दिस। एक लाइन ये हो गई, और इसके ठीक 90 डिग्री में ब्लू वाली लाइन के ठीक 90 डिग्री में एक लाइन ये हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे जो एंगल मेजर होंगे वो रेड वाली लाइन से मेजर होंगे। तो इनिशियली व्हाट वाज द अल्फा, इनिशियली अल्फा वाज दिस, अल्फा ये था दोस्तों,
दिस टोटल एंगल वॉज अल्फा, दिस वॉज द अल्फा, ये अल्फा था। अब अल्फा यहां से मेजर होगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा इफेक्टिव, जो इफेक्टिव अल्फा हो जाएगा, अल्फा इफेक्टिव। पहले क्लियरेंस एंगल ये था, अब जिसको हम गामा बोलते हैं, अब क्लियरेंस एंगल ये हो जाएगा दिस मच, दिस द इफेक्टिव क्लियरेंस एंगल। तो इस केस में क्लियरेंस एंगल बढ़ रहा है, अल्फा घट रहा है, उल्टा उल्टा हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, एक बार वीडियो देख लो, आपको ये और क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट से दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है दोस्तों, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? साफ साफ दिख रहा है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है, तो ये कितना बचा, दिस इज नथिंग, दिस इज द अल्फा इफेक्टिव। तो अल्फा इफेक्टिव इन दिस केस हाउ मच, अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। तो इस बार दोस्तों रे एंगल घट जाएगा, जो कि पिछले केस में बढ़ रहा था। अब दोस्तों अगर ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो ये कितना हुआ, ब्लू से ब्लू के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। एक सेकेंड, अच्छा ये 90 है, तो ये वाला एंगल, एक मिनट, दिस वॉच दिस वन, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। और अब रेड 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 के एंगल का, रेड रेड के एंगल को देखो, रेड से रेड का एंगल 90 है, तो बेटा इसको एक्स मान लो, ये सुबह भी करवाया था कुछ इसी तरह से, तो ये एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों, दिस एंगल इज थीटा। चेक कर लो आराम से, ज्योमेट्री सॉल्व करना आप लोग जानते हो, आराम से चेक करिए, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। तो फाइनली इफेक्टिव, अब इफेक्टिव क्लियरेंस एंगल कहाँ से मेजर करेंगे हम, ये हमारी रे क्लियरेंस फेस है, क्लियरेंस फेस से रेड वाली लाइन तक का एंगल मेजर कर लो, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये इफेक्टिव क्लियरेंस एंगल गामा, इफेक्टिव क्लियरेंस एंगल गामा इज हाउ मच, गामा इफेक्टिव इज गामा एक्चुअल प्लस थीटा, समझ गए दोस्तों। और थीटा निकालना मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, थीटा का फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा, देखिए 2 मिनट लगेंगे, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। इस पॉइंट को ओ मान लो, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, ये पॉइंट जो है बी, दिस पॉइंट इज बी, इसमें बेटा साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ओ बी, ए बी बाई ओ बी। ए बी क्या है, ए बी वो डिस्टेंस है जिससे ये एक्सिस, जिससे ये टूल की टिप नीचे गई है। जिन बच्चों ने पुराना वीडियो नहीं देखा, देख लेना, इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो पार्ट 3, उसमें ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये डिस्टेंस वो हो जाएगी जिससे ये टूल सेंटर लाइन से नीचे आया हुआ है। तो दोस्तों इसको मैंने एक्स बोला था, तो ये डिस्टेंस एक्स है, ए बी इज इक्वल टू एक्स। ओ बी किसके बराबर होगा, ओ बी बराबर होगा रेडियस ऑफ द वर्क पीस के। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई आर। तो सेम फॉर्मूला बेटा पुराना वाला, खत्म, छापिए फटाफट। डन, गुड, एक न्यूमेरिकल करो फटाफट से। ड्यूरिंग टर्निंग ऑफ अ जॉब, विद रेस्पेक्ट टू टूल, तो बेटा वही रहेगा, विद रेस्पेक्ट टू वर्क पीस, देखना मेरे भाई, एक्चुअल रेक एंगल तो टूल पे वो तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज थोड़ी आ रहा है, बट जब वो वर्क पीस के साथ टच हो रहा है, तब उसका इफेक्टिव रेक एंगल चेंज हो रहा है, मतलब वर्किंग कंडीशन एक्चुअली चेंज हो जा रही है, बाकी भाई अदरवाइज टूल पे तो हमने दिया था वही एंगल है, बट वर्क पीस के रेस्पेक्ट में देखेंगे बेटा।
ड्यूरिंग द टर्निंग ऑफ अ जॉब ऑफ डायमीटर 90 mm टूल इज सेट बिलो 5 mm फ्रॉम द सेंटर लाइन हाँ बेटा, स्ट्रेंथ प्रैक्टिकली स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं हो रही है क्योंकि टूल की डायमेंशन हमने चेंज नहीं करी है, बट ऑपरेशन इस तरह से होगा कि डैमेज टूल का ज्यादा होगा। स्ट्रेंथ मत बोलिए, टूल का डैमेज ज्यादा होगा, लाइफ खराब हो जाएगी। डैमेज नहीं कम होगी बेटा, टूल की लाइफ, टूल का स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा है, माइंड इट प्लीज, डैमेज ज्यादा हो जाएगा। टर्निंग टूल ऑफ अ जॉब ऑफ ड्यूरिंग टर्निंग ऑफ अ जॉब ऑफ डायमीटर 90 mm टूल इज सेट बिलो 5 mm फ्रॉम द सेंटर लाइन। इफ रेक एंगल ऑफ द टूल इज 10 degree एंड क्लियरेंस एंगल इज 6 degree डिटरमाइन इफेक्टिव रेक एंगल एंड इफेक्टिव क्लियरेंस एंगल। करिए फटाफट से। तो दिस इज द क्वेश्चन हियर। अरे बकाड़िया साहब नमस्कार, क्या हाल है यहां, कैसे बेटा? निपटाओ जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन को। अरे प्रत्युष भाई आप भी आ गए, क्या बात है, गुड गुड गुड। प्रत्युष एंड मोहित बेटा, आप लोगों को ऑलरेडी प्लस में मैंने पढ़ा चुका है, तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, जाके रिवीजन करो, ठीक है? मैं बढ़िया हूँ बेटा मोहित भाई, प्रत्युष मोहित, ये क्लास बेटा यूट्यूब वाले बच्चों के लिए, आप लोग जाइए पढ़ाई करिए। अच्छा ये आ रहा है कुछ, चलो देखते हैं। कोई नहीं, इट्स ओके, जाके रिवाइज करो बेटे, है ना। तो बेटा पहले थीटा निकाल लो। थीटा कैसे निकलेगा? साइन नॉट थीटा, हमें क्या निकालना था, एक्स निकालना था, है ना। अच्छा एक्स हमें दिया हुआ है, थीटा निकालना है, यस तो थीटा ही निकालना है। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई आर। एक्स हमें मेंशनड है, कितना मेंशनड है, 5 mm, तो 5/r, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 90 mm, क्या है 90 mm, तो उसका डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 45, ठीक है, रेडियस हो जाएगी 45। तो साइन इनवर्स 5/45, इस तरह सॉल्व करना है, फटाफट से कर देता हूँ मैं, आई हैव कैलकुलेटर हियर। सिक्स पॉइंट थ्री सेवन आ रहा है ये, तो थीटा इज कमिंग आउट 6.37। अब दोस्तों इफेक्टिव अल्फा और इफेक्टिव गामा आपसे पूछ रहा है, अल्फा इफेक्टिव कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 - 6.37 इसको सॉल्व कर लो, और गामा इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 6 + 6.67, तो ये तो आ जाएगा 3.67, और ये कितना आ जाएगा, 12.67, ऐसे कुछ आ रहा है क्या? अच्छा 7 था ये, 3 हो जाएगा, ठीक है, हाँ 3.63 degree, तो ये आपके वैल्यूज हो जाएंगे बेटा, खत्म। तो एक नया कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों के, इसको अपने नोट्स में डाल लेना बेटा, और ये गेट के लिए बिल्कुल प्रॉपरली गेट के लिए, ये मत सोचना कि प्लस पे पढ़ा रहे हैं, गौर सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं फ्री में, तो कुछ नहीं आएगा, ये बिल्कुल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लगाइए गेट के क्वेश्चन इस पर जाके, जितने पूछेंगे सारे हो जाएंगे,
और आज सुबह से मैं जितने भी लेक्चर करा रहा हूँ, 14 लेक्चर है मेरा, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, एक भी उसमें ऐसा नहीं था जो काम का नहीं था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चे जनरली परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या पूछ क्या रहा है टॉपिक। इस टॉपिक में दोस्तों पूछता है कि बताइए फिफ्थ स्पीड बताइए, क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, फिफ्थ स्पीड बताइए, सेवंथ स्पीड बताइए, फिफ्थ स्पीड लेथ मशीन की फिफ्थ स्पीड बताइए, सेवंथ स्पीड बताइए, मैक्सिमम स्पीड बताइए, मिनिमम स्पीड बताइए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये फिफ्थ क्या है, सेवंथ क्या है, सिक्स क्या, समझिए। देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है ये, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। प्लीज पुट डाउन हेडिंग द नेक्स्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्पीड सेलेक्शन, बेटा इंडेक्सिंग में करा चुका हूँ बेटा, बाकी भाई इंडेक्सिंग का मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसी अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस के अंदर, इंडेक्सिंग का वीडियो एक बार देख लो बेटा, बाकी भाई मिलिंग की इंडेक्सिंग ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड सेलेक्शन। स्पीड सेलेक्शन सारे चुनिंदा टॉपिक हैं आज के, आप ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब बेहतरीन टॉपिक है एकदम, इन सारे टॉपिक्स को आप कर लीजिए, गेट में बहुत हेल्प होगी आपकी। स्पीड सेलेक्शन दोस्तों, मशीन टूल्स जो आप देखते हो, मशीन टूल्स के अंदर वर्क पीस को या टूल को पावर देने के लिए बेटा हमारे पास मोटर्स होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा स्पिंडल होता है लेथ मशीन के हेडस्टॉक में, अब स्पिंडल घूमता है चक्कर के, उस स्पिंडल में चक लगा होता है, चक से फिर हम लोग शाफ्ट वगैरह लगा के अपने वर्कपीस को रोटेशन देते हैं। तो कई बार वो रोटेशन स्पीड में ज़्यादा देनी होती है, कई बार रोटेशन स्पीड स्लो देनी होती है, माइंड इट प्लीज, कई बार स्पीड बहुत तेजी से घुमानी होती है हमें, कई बार स्पीड स्लो देनी होती है। तो बेटा उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए उस मशीन के पास, उस हेडस्टॉक के पास एक गियर बॉक्स होता है। क्या होता है? गियर बॉक्स। ठीक है, गियर बॉक्स एक नहीं होता, कई सारे गियर बॉक्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कौन सी मशीन है क्या है, फीड गियर बॉक्स होता है, स्पीड गियर बॉक्स होता है, तमाम तरह के गियर बॉक्स होते हैं। तो कुल मिला के गियर बॉक्स इज देयर, क्या होता है, गियर बॉक्स, गियर बॉक्स वहां पर होता है। इस गियर बॉक्स का काम क्या है दोस्तों, ये गियर बॉक्स जिस तरह से हमारी गाड़ी के अंदर गियर बॉक्स का काम आप लोग जानते हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमें पहले नंबर पर गियर चलाने होती है, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ है, आप लोग गाड़ी चलाना जानते हो, तो फिर जैसे जैसे हम भीड़ से हटते हैं तो हम गियर चेंज करते हैं, और फाइनली जब मैक्सिमम स्पीड आती है तो गियर कुछ और होता है। तो वहाँ पर गियर का रेशियो, गियर रेशियो चेंज होता है, एक्चुअली गियर रेशियो चेंज होता है, उस हिसाब से हम स्पीड को रिडक्शन या इंक्रीमेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो दोस्तों वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास गियर बॉक्स है, और इस गियर बॉक्स में डिफरेंट गियर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड प्रोवाइड करवाएंगे हमें। इस गियर बॉक्स के अंदर कौन है, गियर्स हैं, गियर बॉक्स के अंदर गियर्स हैं, अब उन गियर्स को हम चेंज करते जाएंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीड मिलती जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इस गियर बॉक्स के अंदर जो गियर्स हैं, वो गियर्स क्यों होता, वो गियर्स हमें डिफरेंट स्पीड प्रोवाइड करवाते हैं, डिफरेंट स्पीड हमें क्यों चाहिए साहब, इसलिए चाहिए क्योंकि हर एक मशीनिंग पैरामीटर सेम नहीं होता, हर एक वर्क पीस की हर एक चीज की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती, तो कभी हम तेज स्पीड में मशीनिंग करेंगे, कभी हम स्लो स्पीड में मशीनिंग करेंगे। तो गियर्स क्या कर रहे हैं, हमें डिफरेंट स्पीड दे रहे हैं। तो इन स्पीड्स को बेटा अरेंज किया जाता है गियर बॉक्स के अंदर जीपी में, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी पढ़ी आप लोगों ने, उस जीपी की बात कर रहे हैं। तो यहां पे बेटा जो गियर्स अरेंज होती हैं गियर बॉक्स के अंदर, दे आर अरेंज इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू हैव द डिफरेंट गियर रेशियो, टू हैव द डिफरेंट स्पीड्स। तो जीपी में बेटा हम गियर्स को अरेंज करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है बेटा, ये लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, The gears are arranged in geometric progression. GP में इसको हम लोग अरेंज करते हैं।
टू हैव द डिफरेंट स्पीड्स। तो कुल मिला के बेटा जीपी हमें आनी चाहिए। अब जीपी क्या होती है बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा, दैट इज व्हाट, ए फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, डैश 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 डैश, ए आर एन माइनस वन, ये हमारी जीपी होती है। यहाँ पे ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, दिस द फर्स्ट टर्म, दिस द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, दिस इज द एनथ टर्म, वेर आर इज व्हाट, आर इज द कॉमन रेशियो। पढ़ाई की नहीं पढ़ा बेटा जीपी, जल्दी बताए मुझे। तो आर इज द कॉमन रेशियो। तो मेरे बच्चों, ये सबसे पहला गियर, ये सबसे दूसरा गियर, ये तीसरा गियर, ये चौथा गियर, ये पांचवा गियर, ये छठवां गियर, हर गियर एक स्पीड देगा। तो ये सबसे पहली वाली जो होगी हमारी मिनिमम स्पीड होगी सबकी निगाह सामने, यानी ये हमारा फर्स्ट है, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्पीड है दोस्तों, दैट इज द फर्स्ट स्पीड, और इसको बोलेंगे एंड मिनिमम। फिर इसका एंड टू आएगी, एक सेकेंड ऐसे समझ लो, दिस इज द एंड वन विच इज ऑल्सो इक्वल टू एंड मिनिमम, दिस इज मिनिमम स्पीड। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो हमें सेकेंड स्पीड मिलेगी एंड टू, फिर एंड थ्री मिलेगा, फिर ऐसे कर करके कर करके कर करके जो हमारी एनथ स्पीड होगी दैट इज द मैक्सिमम स्पीड, इसको हम बोलेंगे एंड मैक्स, एंड मैक्स। तो कुल मिला के एन मिनिमम कितना हो गया दोस्तों, एन मिनिमम को आपको ए बोलना है, एन मैक्सिमम को आपको क्या बोलना है, ए आर एन माइनस वन, यानी सबसे बड़ी स्पीड कौन सी है, ये वाली ए आर एन माइनस, दिस मैक्सिमम स्पीड है, दिस मैक्सिमम, मतलब मैं बोला कि 10 गियर है तो 10वां गियर सबसे मैक्सिमम स्पीड देगा हमको, बात खत्म, ठीक है। 10वां पहला गियर मिनिमम स्पीड देगा, मैंने बोला 5वां गियर है तो इंटरमीडिएट स्पीड है वो, तो ये एन मिन एन मैक्स हो गया बेटे। तो आपको कुल मिला के मिनिमम स्पीड को ए के बराबर रख देना है, फिर स्पीड बढ़ती चली जाएगी, सेकंड स्पीड होगी, सेकंड स्पीड मतलब एन टू, एन टू का मतलब ए आर, एन थ्री का मतलब ए आर क्यू, एन फोर का मतलब ए आर टू, फिर एन ए आर थ्री, एन फाइव का मतलब ए आर फोर, ऐसे कर करके एन मैक्स का मतलब ए आर एन माइनस वन। इज इट क्लियर अप टू एयर। तो कुल मिला के गियर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, यानी मिनिमम गियर ए है और मैक्सिमम गियर ए आर एन माइनस वन, सिंपल, बिल्कुल दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं खपाना है इसमें, बहुत सिंपल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड स्पीड रेंज रेशियो, स्पीड रेंज रेशियो। ये स्पीड रेंज रेशियो क्या है साहब, ये कुछ नहीं है बेटा, ये है एन मैक्स बाई एन मिनिमम का रेशियो, खत्म। तो स्पीड रेंज रेशियो क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड का जो रेशियो दैट इज द स्पीड रेंज रेशियो। अब बेटा अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है एन मैक्स क्या होता है, ए आर एन माइनस वन, और इन मिनिमम क्या होता है, ए होता है, तो बेटा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या पता चल जाएगा, आर की पावर एन माइनस वन, यानी कि आज से स्पीड रेंज रेशियो की वैल्यू कितनी है, एन मैक्स माइनस एन मिन की वैल्यू कितनी है, आर की पावर एन माइनस वन। तो भाइयों बहनों छाप लो इसको फटाफट, खत्म। डन। तो देखिए दोस्तों कुल मिला के याद रखना है जीपी में अरेंज होगा, बहुत सिंपल, कुछ नहीं, खत्म है कंसेप्ट, और इस पर न्यूमेरिकल आ रहा है इस साल पक्का, मैं वो टॉपिक करा रहा हूँ जो गेट में आने वाले हैं इस साल, मान के चलिए कि बस ये पूछा जाना हमारे केस में, क्योंकि पीआई वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है ये,
और कई बार गेट में पूछा गया तो पूरी पूरी संभावना है इस क्वेश्चन के, ऐसे क्वेश्चन के आने की, मतलब इस वाले टॉपिक से, दैट इज कॉल्ड द स्पीड सिलेक्शन, इससे पूरा पूरा संभावना है न्यूमेरिकल आने का बेटा। इंपॉर्टेंट बात करिए, अब देखिए न्यूमेरिकल क्या क्या बन सकते हैं, किस किस तरह के न्यूमेरिकल इस पर बन सकते हैं, कराता हूँ क्वेश्चन में आपको। देखिए सिर्फ 54 का क्वेश्चन, 54 का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। दिया हुआ है मिनिमम स्पीड इना लेथ स्पिंडल, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि मिनिमम स्पीड इज 100 RPM दी हुई है बेटा क्वेश्चन में, मिनिमम स्पीड इज 100 RPM, मिनिमम स्पीड 100 RPM दी है, मैक्सिमम स्पीड आपको दे रखी है 1000 RPM एंड मैक्स इज 1000 RPM एंड मैक्स इज 1000 RPM। बोल रहा है कि इसमें टोटल 8 गियर हैं, आया था ऐसा क्वेश्चन, हाँ बोल रहा है इसमें 8 गियर है, मतलब एन की वैल्यू दे रखी है 8, एन इज इक्वल टू 8, यानी टोटल 8 गियर आर अवेलेबल, एन की वैल्यू आपको 8 दे रखी है बेटा। पूछ रहा है व्हाट इज द फिफ्थ स्पीड, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फिफ्थ स्पीड, एन 5 आपसे पूछ रहा है, 54 का क्वेश्चन, फटाफट से आंसर बताइए बेटे, जल्दी बताओ क्या आंसर आने वाला है, व्हाट इज द एन 5 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 5वीं स्पीड आपको बतानी है, क्या बात है, 372.75 शिवम केसरवानी बागी भाई, क्या बात है। देखिए बेटा 54 का क्वेश्चन, एन मैक्स सॉल्यूशन देता हूं उसका मैं, एन मैक्स बाई एन मिन को हम लोग बोलते हैं आर की पावर एन माइनस 1, बेटा एन मैक्स की वैल्यू है 1000, एन मिनिमम की वैल्यू है 100, आर की जगह पे आर, एन की वैल्यू है 8 माइनस 1, बेटा इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया यहाँ से 10 इक्वल टू आर की पावर 7, तो बेटा इसको सॉल्व कर लिया, इट इज कमिंग आउट 1.389, यानी यहाँ से जो दोस्तों हमारे कॉमन फैक्टर की वैल्यू, कॉमन रेशियो की जो वैल्यू आ रही है, आर को कॉमन रेशियो बोलते हैं, दैट इज कमिंग आउट 1.389, यही आ रही है बेटे 1.389। पूछ रहा है 5वां स्पीड बताओ, तो बेटा पहला स्पीड क्या होता है, पहला स्पीड होता है ए, दूसरा स्पीड क्या होता है ए आर की पावर 1, ए आर मतलब खाली ए आर, और कुल मिला के हमें एनथ टर्म पता ही हुआ है, एनथ टर्म क्या होता है, एनथ टर्म हमें पता ही है क्या होता है, एनथ टर्म ए आर की पावर एन माइनस 1, तो बेटा एन 5 पूछ रहा है आपसे, तो ए आर की पावर 5 माइनस 1, एन जी 5 पुट कर दिया मैंने, क्या आ गया बेटा, ए क्या होता है, ए मिनिमम स्पीड होता है, ए की वैल्यू आपको पता है 100 है, दे रखी है पहले से ही, आर आप निकाल चुके हो, दैट इज 1.389 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 1.389 की पावर 4 इंटू 100 कितना आ गया बेटा 372.2, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है साहब, क्या था साहब इसमें, साहब 2 नंबर का आता बेटा ये, 2 नंबर का ये, और खासियत है गेट के पेपर में 2 नंबर में पूछा जाएगा बेटा ये 54 का क्वेश्चन, खत्म इतने आरपीएम। क्या होगा बेटा 3 लेक्चर नहीं मिल रहा, हो सकता है बेटा अपडेट होने में टाइम लगता होगा, ठीक है 2 घंटे लगते हैं अपडेट होने में, मिल जाएगा बेटे शाम तक आ जाएगा अपडेट हो जाएगा, एक्चुअली लाइव क्लास चलती है ना तो उसमें अपडेट होने में बेटा टाइम लगता थोड़ा सा, डोंट वरी हो जाएगा। तो एन 5 निकाल लिया बेटा, समझ में आया क्वेश्चन सबको, काइंडली रिप्लाई प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस साल क्वेश्चन आ रहा फिर मत बोलना नहीं पढ़ाया था तब। चलिए वन मोर क्वेश्चन प्लीज, देखिए एक और क्वेश्चन 54 का, फटाफट से निपटाओ उसको। क्वेश्चन दिया है अ हेडस्टोक ऑफ लेथ हैज 9 स्पीड्स, टोटल 9 स्पीड्स है यहाँ पे, तो एन की वैल्यू 9 दे रखी है बेटा, मैं लिख देता हूं, रेंजिंग फ्रॉम 100 RPM टू 1600 RPM, रेंजिंग फ्रॉम 100 RPM टू 1600 RPM, यानी कि आपको एक तरह से मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड दे रखी है, मिनिमम दे रखी है 100
और मैक्सिमम कितनी दे रखी है बेटा, मैक्सिमम दे रखी है 1600, 1600 RPM, 1600 RPM। पूछ रहा है द रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्पीड्स, रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्पीड्स, पूछ रहा है रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्पीड्स, रेशियो बिटवीन टू रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पीड्स, दो कंसेक्यूटिव स्पीड्स के बीच का रेशियो बताना भाई। क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया था। क्या करेंगे साहब इसमें, हम एंड मैक्स की जगह 1600 रखेंगे, एंड मिनिमम की जगह 100 रखेंगे, और इसको हम बोलते हैं ए आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन। आर की जगह पे आर रख दिया, एन की जगह पे बेटा 9 रख दिया, वन की जगह पे वन रख दिया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो यहां से आर की वैल्यू पता चल जाएगी बेटा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन पॉइंट फोर वन फोर। क्या बात है, 1.414, 1.414, ये आर की वैल्यू आ रही है। और मेरे बच्चों देखते हैं एक बार, दो कंसेक्यूटिव स्पीड एन टू बाई एन वन, दो कंसेक्यूटिव स्पीड एन थ्री बाई एन टू, दो कंसेक्यूटिव स्पीड एन सेवन बाई एन सिक्स, दो कंसेक्यूटिव स्पीड एन एट बाई एन सेवन, कुछ भी हो सकता है, ये सब कंसेक्यूटिव स्पीड के रेशियो है बेटा, ये सब कंसेक्यूटिव स्पीड के रेशियो। एन टू की वैल्यू हो जाएगी ए आर, एन वन की वैल्यू हो जाएगी ए, एन थ्री की वैल्यू हो जाएगी ए आर थ्री, ए आर टू, एन टू की वैल्यू हो जाएगी ए आर, एन सेवन की वैल्यू हो जाएगी ए आर सिक्स, एन सिक्स की वैल्यू हो जाएगी ए आर फाइव, एन एट की वैल्यू हो जाएगी ए आर सेवन, इस एन सेवन के लिए हो जाएगी ए आर सिक्स। ए से ए गया सॉल्व कर लिया, आर आ गया, ए से ए गया सॉल्व कर लिया, आर आ गया, ए से ए गया सॉल्व कर लिया, आर आ गया, ए से ए गया सॉल्व कर लिया, आर आ गया। यानी दो कंसेक्यूटिव स्पीड्स का रेशियो क्या होता है, आर, क्योंकि कॉमन रेशियो बेटा, ये क्या है, कॉमन रेशियो। आ गए बेटे बात समझ में, कॉमन रेशियो आर होता है। तो बेटा व्हाट इज द आंसर, दिस इज द आंसर, खत्म। दो नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा ये, दो नंबर का, बच्चे पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं, अरे यार क्या पढ़ेंगे स्पीड रेंज रेशियो क्या होता है। लेकिन नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, चवन्नी भर का कंसेप्ट है, बस समझ में आना चाहिए बेटा। समझ गए सब लोग, जल्दी बता दो, हवाबाजी नहीं चाहिए। शाबाश, तो कोई भी नहीं, दो स्पीड के बीच का जो रेशियो दैट इज अ कॉमन रेशियो। नाउ वन मोर क्वेश्चन प्लीज, करिए क्वेश्चन, करिए आज आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करिए दोस्तों, आग लगा दी जाएगी तरीके से एकदम। देखते हैं कैसे सॉल्व नहीं होगा गेट का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रिलिंग मशीन, अ ड्रिलिंग मशीन है 6 स्पिंडल स्पीड्स, कितनी स्पीड है बेटा 6, तो n की वैल्यू हो गई 6। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी बस डेटा डेटा लिख रहा हूँ पूरा, है ना। तो आज ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल है 6 स्पीड्स, यूजिंग ड्रिल्स ऑफ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम, यस नाइस क्वेश्चन, इस ड्रिल मशीन में जो डायमीटर यूज हो रहे हैं, ड्रिल बिट जो होती है, ड्रिल बिट के जो डायमीटर यूज हो रहे हैं, वो यूज हो रहे हैं 6.25 mm से लेके 25 mm तक। यानी मिनिमम डायमीटर ऑफ ड्रिल आपको दिया हुआ है 6.25 से लेकर, ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपको दिया हुआ है 25 mm, 25 mm, ये डायमीटर ड्रिल के स्पिंडल में लगाए जा रहे हैं। कटिंग स्पीड आपको दे रखी है, कटिंग स्पीड वी इक्वल टू 18 मीटर पर मिनट, ये कटिंग स्पीड आपको दे रखी है। देन द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पीड्स,
देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्पीड, ये क्या हो गया साहब? ये आपको बताना है, रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्पीड्स। लगाइए दिमाग, मैं तो बताऊंगा ही, जल्दी बताएं। चलो कितना आंसर आ रहा है? पॉइंट सिक्स सिक्स। देखते हैं अभी। वन पॉइंट थ्री वन नाइन। ओके, यस बिल्कुल बेटा, और रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन वन रहेगा बेटा। देखिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, चवन्नी भर का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? चवन्नी भर का। क्या करना है इसमें हमें? हमें वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है। स्पीड, वी नो दैट स्पीड इक्वल टू देखिए ध्यान से, पाई डी एन। ये पढ़ाया था दोस्तों आज मैंने, मॉर्निंग में पढ़ाया था। वी इक्वल टू पाई डी एन, ठीक है? तो यहां से डियर फ्रेंड्स, यहां से एन कितना आ गया? एन इक्वल टू वी अपॉन पाई डी, वी अपॉन पाई डी। तो रटना कुछ नहीं है, एन का फॉर्मूला पता चल गया हमें, वी अपॉन पाई डी, ठीक, वी अपॉन पाई डी। हमसे पूछ रहा है वो, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पीड, मतलब आर हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? आर निकालना है। अब दोस्तों एक चीज और समझो, एन को अगर हमें मिनिमम करना है, एन को अगर हमें मिनिमम करना है तो डायमीटर कैसा होना चाहिए? डायमीटर शुड बी मैक्सिमम, डायमीटर शुड बी मैक्सिमम। और इस केस में तो खैर आपको वी की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, सुन लो ध्यान से। फॉर दिस केस वी इज कांस्टेंट, बट हो सकता है वी की वैल्यू भी वेरी करवा दे। इट मे बी पॉसिबल ऑल्सो कि वी की वैल्यू वो चेंज कर दे। तो अगर एन मिनिमम रखना है तो वी क्या रखना होगा? मिनिमम। ये भी समझिए, पॉसिबल है वो भी, वेलोसिटी चेंज कर दी उसने, कोई वो थोड़ी है क्वेश्चन, कुछ भी बना सकता क्वेश्चन। तो कुल मिला के एन मिनिमम का फॉर्मूला इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एंड सिमिलर टू दैट, अगर हमें एन मैक्सिमम निकालना है, एन मैक्स, एन मैक्स अगर हमें निकालना है तो बेटा वी की वैल्यू क्या रखेंगे? मैक्स वी की वैल्यू मैक्स डिवाइडेड बाय, हाँ जी बिल्कुल, नहीं है जरूरी, मैं कब बोल रहा हूँ बेटा जरूरी है। इधर देखो पाई और डी मैक्स, मैंने कब बोला बेटा जरूरी है? मैं तो इजाद कर रहा हूँ फॉर्मूला, मैं तो चीजें इजाद करता हूँ बेटे, मैं रटता थोड़ी, मैं तो सिखाता हूँ चीजें। तो एक और इक्वेशन दो, ठीक है? अब समझो जरा। नहीं बेटा, एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए वो वी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वही बता रहा हूँ मैं, बट जरूर थोड़ी हर क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा। देखिए अभी कराऊंगा क्वेश्चन आगे, तो इसलिए कंसेप्ट समझो, इस क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ मैं। अब तो समझो यार क्या होने जा रहा है। अब मैं इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करता हूँ, तो एंड मैक्स बाई एंड मिन, एंड मैक्स बाई एंड मिन का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो जरा, एंड मैक्स का फॉर्मूला बनेगा वी मैक्स अपॉन पाई डी मैक्स,
मैक्स अपॉन पाई डी मिन, सॉरी ये मिनिमम आएगा, सॉरी ये मिनिमम आएगा, डी मिनिमम, ये मैक्सिमम करना है तो मिनिमम रखना पड़ेगा। तो वी मैक्स अपॉन पाई डी मिनिमम, और बाकी का एन मिनिमम की वैल्यू रखें तो क्या रखेंगे हम, वी मिनिमम अपॉन वाला पार्ट चला जाएगा ऊपर, दैट इज पाई डी मैक्स, ये रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, अब फॉर्मूला बन गया कुल मिला के एन मैक्स अपॉन एन मिन। अनीता जी समझिए अब क्यों पढ़ा रहा हूं मैं इसको, वी मैक्स इंटू डी मैक्स अपॉन वी मिन इंटू डी मिन। ठीक है, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला फाइनली आपको अब याद रखना है, कई बार डायमीटर के टर्म में आपको चीजें दी जाएंगी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में दी हुई है, इसी वाले क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, स्पीड के और एन के बारे में कोई बात नहीं करी है। अब दोस्तों ये आ गई वैल्यू, अब एन मैक्स बाई एन मिन क्या होता है, एन मैक्स बाई एन मिन क्या होता है, आर की पावर एन माइनस वन, यही पढ़ा हम लोगों ने, इक्वल टू वी मैक्स इंटू डी मैक्स डिवाइडेड बाय वी मिन इंटू डी मिन। एक फॉर्मूला ही बन गया अब आर के टर्म में। अब अपने क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो फॉर आवर क्वेश्चन जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो सेम है, चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। तो बच्चों इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक ही स्पीड दे रखी है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो फाइनली अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या निकाल लिया, आर की पावर एन माइनस वन इक्वल टू डी मैक्स बाई डी मिन, समझ गए, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी मैक्स बाई डी मिन, डी मैक्स बाई डी मिन आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम डायमीटर आपको दिया है 25, मिनिमम डायमीटर दिया है 6.25, एन की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 6, एन की वैल्यू दी है 6, तो आर की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 6.25। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ऐसे आर की वैल्यू निकाल लो, वन पॉइंट थ्री वन नाइन कितना आ गया बेटा, 1.319। यही हमारी दो स्पीड का दो कंसेक्यूटिव स्पीड्स का रेशियो भी होता है। कितना सिंपल क्वेश्चन था बेटा, क्या था इसमें, समझ में आ रहा है बेटे कैसा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। तो अब से गेट के पेपर में जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन जब गेट के सॉल्व करते हो, उसमें लिखा 5वीं स्पीड बताओ, 10वीं स्पीड बताओ, 50वीं स्पीड बताओ, तो घबराना नहीं है, उसे बता देना कि बेटा हम पढ़ के आए गौरव बाबू सर से, करेंगे इसको सॉल्व, मुंह पे मार देना उठा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको सब लोग, अब आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप ही लोग सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। अ 6 स्पीड गियर बॉक्स, मैं डायरेक्टली डेटा लिख रहा हूं बस, अ 6 स्पीड गियर बॉक्स, मतलब एन की वैल्यू हो गई 6, अ 6 स्पीड गियर बॉक्स इज यूज टू मशीन एट अ कटिंग स्पीड, एट अ कटिंग स्पीड, एट अ कटिंग स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 40 मीटर पर मिनट टू 120 मीटर पर मिनट। अनीता जी आपके लिए क्वेश्चन ये, यहाँ पे वी वी मिनिमम दे रखी है आपको 40 मीटर पर मिनट। पिछले क्वेश्चन में वी की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि कांस्टेंट थी वी, इस बार वी कांस्टेंट नहीं है। और वी मैक्सिमम कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, वी मैक्सिमम इज 120 मीटर पर मिनट। ठीक है, 120 मीटर पर मिनट। आगे चलेंगे क्वेश्चन, फॉर द डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 100 mm टू 200 mm, उसमें जो स्पिंडल के अंदर जो ड्रिल्स के डायमीटर यूज हो रहे हैं, स्पिंडल के डायमीटर्स यूज हो रहे हैं, दैट इज 100 mm टू 200 mm, यानी आपको डी मिनिमम दिया हुआ है,
100 mm, डी मैक्सिमम दिया हुआ है 200 mm. फाइंड ऑल सिक्स स्पीड्स, सारी स्पीड्स निकालनी है बेटा आपको, एन वन निकालना है यानी मिनिमम स्पीड निकालनी है, एन टू निकालना है, एन थ्री निकालना है, एन फोर निकालना है एंड एन फाइव निकालना है, और एन टोटल सिक्स स्पीड से एन सिक्स भी निकालना है. एन सिक्स का मतलब एन मैक्स ये निकालना है, और एन वन का मतलब एन मिनिमम. ये सारी स्पीड्स आपको निकालनी है, करिए बेटा फटाफट. जल्दी जल्दी करो उसको, इजी क्वेश्चन है. एन मिनिमम निकाल लो. अनीता जी देखो, आप समझ में आया एन मिनिमम का कैसे यूज होगा? एन मिनिमम क्या क्या आंसर बता रहे हो बेटे? ओके देखते हैं. एन मिनिमम का फॉर एन मिनिमम कैसे निकलेगा अभी बताया थोड़ी देर पहले. ये रहा एन मिनिमम के लिए वी मिनिमम और पाई और डी मैक्सिमम. ठीक है, वी मिनिमम पाई और डी मैक्सिमम. वी मिनिमम की वैल्यू कितनी थी? कितनी थी? ये रही 40 मीटर पर मिनट. 40 मीटर है तो एमएम में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय पाई की जगह पे पाई और डी की जगह पे बेटा रख दूंगा मैं. डी कितना दिया है? डी दिया है मिनिमम डायमीटर है, मैक्सिमम डायमीटर है 200. 200. सब गलत सलत करे तुम लोगों ने. 40 × 1000 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय पाई 63.66. एन मिनिमम की वैल्यू आ रही है 63.66 RPM. ठीक है, सिमिलरली वी कैन हैव, यानी कि एन मिनिमम मतलब एन वन आ गया, ये एन वन आ गया, पहली स्पीड आ गई बेटा आपकी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एन वन. तो पहला आंसर तो आ गया आपका. अब एन सिक्स निकाल लेते हैं. एन सिक्स का मतलब एन मैक्स. ये दो स्पीड पहले निकाल लेते हैं, तो एन मैक्स का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? वी मैक्स डिवाइडेड बाय पाई डी मिन. डी मिन मतलब डी मिन रख देंगे, चलो अभी जो भी वैल्यू होगी डी मिनिमम. सब गलत सलत कर लिया आप लोगों ने. तो मैक्सिमम वैल्यू आपको 120 दे रखी है, इंटू 1000 कर दिया,
पाई की कोई पाई रख दी है और मिनिमम डायमीटर आपको 100 दे रखा है, कितना आ गया बेटा ये 381.97, 381.97। क्या बात है मिश्रा जी, शाबाश। अब तो आएगा आंसर बेटा, तो सबका सही आएगा। पहले क्या हो गया था, हवाबाजी करते हो हैं, कमाल करते हो पंडित जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये N6 निकाल लिया, अब N2 N3 N4 N5 निकालना है। तो N2, अब पहले हमें R निकालना पड़ेगा उनके लिए। R क्या होगा दोस्तों, N मैक्स डिवाइडेड बाय N मिन इक्वल टू R की पावर N। N आपको दिया हुआ है टोटल हाउ मेनी गियर, 6 गियर्स आर देयर, तो 6 माइनस 1, तो यहां से R की पावर 5 इक्वल टू N मैक्स की वैल्यू आई है 381.97 डिवाइडेड बाय मिनिमम की वैल्यू कहाँ है, मिनिमम 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 63.67। इस तरह से कर लेते हैं हम लोग, 381.97 डिवाइडेड बाय 63.67। ये आ रहा है क्या बेटा, R की वैल्यू आ रही है 1.43, R इक्वल टू 1.43। R पता है मिनिमम स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग, N1, और N1 किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। R पता है, A पता है, कुछ भी निकाल लो बेटा, ठीक है। तो N1 इक्वल टू A जिसकी वैल्यू है 63.67, N2 इक्वल टू AR, A की वैल्यू है 63.67 इंटू आर की वैल्यू है 1.43, 91.04, 63.67 तो ठीक है, 91.04। N3 कितना हो जाएगा दोस्तों, N3 हो जाएगा A आर स्क्वायर, ए की जगह पे 63.67 इंटू 1.43 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 130.19। सिमिलरली N4 निकाल लीजिए, ARQ का मतलब 63.67 इंटू 1.43 की पावर क्यूब, अच्छा सही कर रहे हो तुम लोग, चलो ठीक है, 186.18 यही आ रहा है शुभम भाई। चलो चलो चलो, अब एक और बचाया इसमें, क्या एक और कर लेते हैं, N5 और निकालना है। तो N5 की वैल्यू हो जाएगी AR4, तो 63.67 इंटू 1.43 का क्यूब, बेटा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है फटाफट से। पावर फोर है ये, 266, गुड, क्या बात है। नो यार, तुम लोग कैलकुलेटर थोड़ी हो, स्टूडेंट्स हो तुम लोग मेरे भाई। मैं इसलिए करता हूँ बेटा क्योंकि आप लोग तो लाइव देख रहे हो नो डाउट, बट बहुत सारे बच्चे इसको बाद में भी देखेंगे तो फिर उनको दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में, तो मैं फाइनली आंसर में खुद ही सॉल्व करके लिख देता हूँ। बाकी N6 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे बेटा, N6 is equal to AR5 जो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, कितना आ रहा था 381.97। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आज जो टॉपिक मैंने कवर किए दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, सुबह से लेके जितने भी टॉपिक आज तक कवर किए अभी तक हमने, सब बेहतरीन टॉपिक है और पूरी पूरी संभावना ऐसे टॉपिक से गेट में क्वेश्चन आने की, क्योंकि जनरली बच्चे मेटल कटिंग पढ़ लेते हैं बस,
मेटल कटिंग पढ़ लिया, खुश हो गया था, हमें मेटल कटिंग आती है। बेटा मेटल कटिंग के अलावा मशीन टूल्स भी पढ़ने होते हैं, हमें ये सब टॉपिक भी पढ़ने होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। बेटा 380 बनाना चाहिए, ज़्यादा वेरी कर रहा बेटा, आंसर गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो 56 भर के क्वेश्चन है दोस्तों, है कुछ नहीं इनमें, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ 180.7 तो चलेगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। ऐसे सॉल्व करने तो आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 181 के आसपास ही हो गया ना वो, चलेगा चलेगा, इतना तो चलेगा। 179 मत कर देना बेटे, बेटा नहीं मैं बता दूं, डिजिट ड्रॉप नहीं करनी है ना ही राउंड ऑफ करनी है। आपको क्या करना है बता, डिजिट ड्रॉप से मतलब ये है कि सुनो, आपको जो भी आपका डेसिमल के बाद जो पॉइंट आएगा, तो डेसिमल के फोर्थ प्लेस तक आप वैल्यू पुट करिए, राउंड ऑफ मत करिए कुल मिला के, क्योंकि आंसर बेटा वेरी कर सकता है, और आंसर वेरी करेगा तो बेटा आजकल ऑप्शन तो होते नहीं है उसमें, तो ऑप्शन की रेंज में अगर वो आपका आंसर नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि वेरिएशन रखते हैं वो, 10% का वेरिएशन होता, करीब 5 से 10% का वेरिएशन उसके अंदर रहता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि डेसिमल के फोर्थ प्लेस तक अगर आप पुट कर रहे हैं वैल्यूज को, तो आपका आंसर हमेशा रेंज के अंदर लाई करेगा और कभी भी वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बहुत अच्छा लगा, एक क्लास और बची है अभी, 4 क्लास हमारी हो चुकी है, जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं देखी है देख लें बेटा एक बार। ठीक है, बाकी फिर से 15 मिनट बाद मुलाकात करेंगे दोस्तों नए लैब टॉपिक के साथ। ठीक है, बाकी वो लोग जिन्होंने गेट का सब्सक्रिप्शन लेना है, दे कैन यूज माई कोड फर्स्ट, वॉच माई वीडियोज इफ यू लाइक, देन यू कैन कम विद मी। मेरी बस एक ही गुजारिश है आपसे सभी से, क्या बात है शुभम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम केसरवानी जी, मिस करने की जरूरत नहीं बेटा, नंबर लिखो मेरा 9897104566, मैसेज कर लिया करो बेटा, है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत है कॉल कर लेना, दिक्कत वाली भी बात नहीं है। तो दोस्तों वो बच्चे जो सीरियसली गेट के एस्पिरेंट हैं या वाकई में पढ़ना चाहते हैं आगे अच्छे लेवल पर जाके, तो ये आप देख रहे हो बेटा, ये तो डेमो है, और इसका भी बाप खतरनाक लेवल पर पढ़ाता हूँ मैं अंदर अंदर, इन द सेंस प्लस के ऊपर, तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, मोर देन सफिशियंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। बट नो डाउट अगर आप आईएएस और एक डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, बाकी मैं आपको हर क्यों का आंसर पता हो, आप इंटरव्यू फेस कर पाए, क्योंकि इंटरव्यू भी देना होगा बेटा आपको, तो आपको फिर बेटा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो वो बच्चे जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, दे कैन यूज माई कोड GPS लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट, बट अगेन वही चीज़ बेटा, डिस्काउंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि सर आप क्या करने वाले हो, आपके कोर्स में क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों मैं कोई बेनिफिट नहीं देने वाला भाई, मैं ये ऐसे पढ़ाता हूँ, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बहुत अच्छी बात है, बस एक चीज़ है मेरे पास आपको देने के लिए, वो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी गाइडलाइन है, उसको फॉलो करोगे आगे बढ़ते जाओगे, बाकी बेटा मैं और कुछ नहीं करूँगा। क्वेश्चन वोश्चन सब इतने करा देता हूँ मैं, परेशान हो जाऊँगा क्वेश्चन कर करके, तो वो सब फालतू की बात है, वो सब मैं कर ही नहीं रहा हूँ, बस मेरा बस ये है कि मेरे पास आपको देने के लिए मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करते फॉलो करते जाओ, आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, बस इतनी सी बात मैं बोलूँगा दोस्तों, और कुछ नहीं मेरे पास। वो बच्चे जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बेटा, वो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लें 2 साल का, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, मेरा कोड यूज करें और डिस्काउंट उठाएं, और डिस्काउंट उठाने से ज़्यादा बड़ी बात ये है कि मेरी गाइडलाइन लें बेटा। मेरे बच्चों से पूछिए जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो क्या फील करते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरे पास आपको देने के लिए बेटा मेरा पर्सनल सजेशन है, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने लर्निंग फेज में सीखी है समझी है, और वही मैं बच्चों से शेयर करता हूँ, बच्चे फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाकी तो बेटा सब अच्छे ही पढ़ाते हैं, पढ़ा कौन गलत पढ़ा, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी का नहीं बोल रहा है, मैं कभी नहीं बोलता आई एम द बेस्ट, कभी नहीं बोलूँगा, बट हाँ मेरी मेरे पास सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो मेरी गाइडलाइन है, मेरा पर्सनल बच्चों के प्रति अटेंशन है, मैं खुद मेहनत करता हूँ बेटा बच्चों के साथ, आप उन बच्चों से पूछिए जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ रखे हैं। ठीक है बेटा, मेंटरशिप के लिए ही कोड डलवाया जाता है बेटे,
ये कोड मेंटरशिप के लिए होता है बेटा, है ना। मेंटरशिप मेरे अंदर में रहेगी, बाकी आप ऐसा नहीं मुझे पढ़ोगे, मेरे अलावा भी तमाम फैकल्टीज को पढ़ोगे, बट मेंटरशिप मेरी रहेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा समय समय पर कि बेटा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, मतलब पूरी मेंटरशिप मेरी तरफ से रहेगी। बस वही चीज़ बता रहा हूँ बेटा मैं, उसमें मैं कभी डाउन नहीं होने दूंगा बेटा। और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कैसा पढ़ा रहा हूँ वो सब आप लोग जानते हो, देख ही रहे हो, तो पढ़ाई तो कर दो साइड में बेटा। कोई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सलेक्शन तभी होगा जब बारीकियों को समझोगे, बारीकियों को जानोगे, क्योंकि बचपन से हमें बोला गया है कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। छोटे से थे तो मम्मी पापा बोलते थे बेटा पढ़ ले कुछ बन जाएगा। एक कहावत बड़ी फेमस होती थी हमारे टाइम में कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ऐसी कोई कहावत हुआ करती थी। दोस्तों बचपन से लेकर आज तक क्या किया आप लोगों ने? सिर्फ पढ़ाई करी है, सिर्फ पढ़ाई करी है, सिर्फ पढ़ाई करी है। क्या मिला, क्या मिल रहा है? कॉलेज से पास आउट हो डिग्री मिल जाएगी, भटकोगे इधर से उधर, फिर या तो प्राइवेट जॉब में या फिर अगेन भटकने का मतलब फिर आप अगेन तैयारी करोगे, कहीं ना कहीं तैयारी करोगे। तो दोस्तों बचपन से लेके आज तक हमें ये बोला गया है कि पढ़ो 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 पढ़ो, सबने बोला है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बट किसी ने नहीं बोला कैसे पढ़ ले, किस डायरेक्शन में पढ़ ले, क्यों पढ़ ले, किस लिए पढ़ ले। क्या मैं बीटेक करने के बाद पकौड़े तलूंगा इसलिए पढ़ लू, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक में क्लर्क बनूंगा इसलिए पढ़ लू, मैं साहब इंजीनियरिंग करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाऊंगा तो क्या इसलिए पढ़ लूं? क्या मेरा पढ़ने का पीछे क्या कारण है वो आज तक पता ही नहीं चला साहब। धूल में लट मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आता तो कोई बैंक व्यू का फॉर्म भर देता है, कोई क्लर्क का फॉर्म भर देता है, कोई इसका फॉर्म भर देता है, कोई उसका फॉर्म भर देता है, फिर भटकते हैं इधर से उधर, क्योंकि सही टाइम पे आपको कोई बताने वाला नहीं मिलता है। क्या करते हो आप लोग, कभी सोचा आपने क्या कर रहे हो आप लोग, कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कब समझोगे, कब सुधरोगे? कॉलेज को हम लोग 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए दे देते हैं, यहाँ जो हमें रियल कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं तो यहाँ हम 20,000 रुपए खर्च करने में डरते हैं। यही रियलिटी है दोस्तों हमारी, यही हमारा रियलिटी है सर, मैं क्या बोलूँ उसमें। तो दोस्त ऑलवेज रिमेम्बर, बचपन से पढ़ाई करी है, सबने बोला पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बट किसी ने नहीं बोला कैसे पढ़ ले। कोई उस दर्द को नहीं जान पाया कि वो दर्द क्या है जो एक स्टूडेंट झेलता है। तो बेटा मैं आपको बस वही समझाऊंगा कि कैसे पढ़ ले, कैसे 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 एग्जाम निकलेगा सर, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं सर, मैं कैसे एग्जाम में सक्सेस होऊंगा सर, ये बताओ मुझे। सभी लोग पढ़ रहे हैं सर, मेहनत तो सभी करते हैं, सिलेक्शन उस बच्चे का होता है बेटा जो बारीकियां जानता है, सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो हथौड़ा मारना जानता है। ये हथौड़े वाली कहानी बेटा मेरा एक लेक्चर पढ़ा हुआ, उसको देख लेना जाके अन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, दैट इज अ लेट्स क्रैक गेट एंड एसी चैनल पे मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, नो योर गेट एग्जाम, नो योर गेट एग्जाम। इस वीडियो को एक बार देख लो, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप कौन हो और क्या कर रहे हो। अगर आप 3-4 बार एग्जाम दे चुके हो ना गेट का, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी ऐसे, अच्छा ऐसे ऐसे होता है। एक बार जाके देखो इस वीडियो को, ठीक है, YouTube पे पढ़ा है, मेरा नाम सर्च मार देना गौरव बाबू, आपको समझ में आ जाएगा गेट होता क्या है। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं 15 मिनट बाद फिर से, जाइए टाटा बाय बाय, एक क्लास और बची है अभी, उसको खत्म करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें भी मैं अगेन मशीन टूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। चलो बाय।